क्वेश्चन नंबर 23, CH3COCl, CH3NH2, बताइए, आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है आपको? रिंग दी गई है एक, और इसमें डाला है आपने CH3C डबल बॉन्ड OCl। याद आ रहा है क्या? कुछ रिएक्शन देख के आ रहा होगा। CH3CH2COCl है, CH3CH2COCl। CH3CH2COCl, ठीक है, याद आ रहा है क्या? कैटलिस्ट नहीं लिखा है, रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन टाइप रिएक्शन है, तो आप बनाते हो यहां से प्रोडक्ट क्या? सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री एसाइल प्रोडक्ट बनता है, पता होगा आपको। एसिड क्लोराइड है, सीएल निकलेगा, एसाइलियम आयन बनेगा, रिंग में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा लिया आपने, देन आपने डाला है CH3NH2। CH3NH2 क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है ये? और आप ये बात डायरेक्ट जानिए कि अगर कोई कार्बन नील कार्बन है, कार्बोनिल अगर आपका दिए सब्सट्रेट है, तो CH3NH2 क्या करेगा? ऑक्सीजन हटाओ, नाइट्रोजन लगाओ, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? सीधा सीधा ऑक्सीजन हटाइए और वहां पर नाइट्रोजन लगा दीजिए, एक दो तीन चार, तो NCH3 आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर से करते हैं, क्या होगा? बना लिया था हमने प्रोडक्ट बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, देन आपने डाला है CH3NH2। तो डायरेक्ट रिएक्शन में आपको बता रहा हूं, ऑक्सीजन हटाओ, नाइट्रोजन लगाओ, तो यहां पर आप ऑक्सीजन हटाइए, डबल बॉन्ड NCH3CH2CH3, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इस तरीके की आपकी मैकेनिज्म होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कार्बोनिल से कभी भी नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, अगर अटैकिंग रिएजेंट नाइट्रोजन वाला कोई आपका अटैकिंग रिएजेंट है नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो आप ऑक्सीजन हटाइए, नाइट्रोजन लगाइए, डायरेक्ट रिएक्शन। अगर अगर नाइट्रोजन वाला कोई सब्सट्रेट है, उसमें ऑक्सीजन वाला कोई अटैकिंग रिएजेंट है, तो नाइट्रोजन हटाइए, ऑक्सीजन लगाइए, ये सब बात आप लोग पढ़ते ही हैं, क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैकेनिज्म आप कर सकते हैं, इस पर अटैक करेगा, शिफ्ट होगा, फिर से अटैक करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट ऑप्शन बी।